ओके सर, सेकंड इंग्रेडिएंट है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ओके, ये हम लोगों ने सभी ने एक्सपीरियंस किया है, इस दुनिया में हार्ड वर्क के बिना कोई चीज नहीं मिलती। हार्ड वर्क इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ सक्सेस, ये सभी को पता है हम लोगों को। और आजकल इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है स्मार्ट वर्क। ओके, हार्ड वर्क जब स्मार्ट वर्क बनता है तो उसमें दो तीन चीजें ऐड हो जाती है। फर्स्ट जो चीज ऐड होगी उसमें द टाइम मैनेजमेंट। आपका कोई भी काम हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क जब बनता है तब उस काम को आप टाइम से मैनेज करके करते हो। सपोज छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए बाहर नोटिस बोर्ड पे बच्चों की डेट शीट लगी है, एक बच्चा आ रहा है उसको नोट कर रहा है, ओके नाइन्थ को मेरा ये पेपर है, इलेवेंथ को मेरा ये पेपर है, दूसरा बच्चा आता है मोबाइल निकालता है उसका फोटो खींच लेता है, दिस इज स्मार्ट वर्क, दिस इज नॉट हार्ड वर्क, दिस इज स्मार्ट वर्क। उसको हमने टाइम सेव किया, लेकिन नोट करने के बाद उसे फोटो खींचा और जेब में रख लिया और वो उसके लिए आगे तक पूरी डेट शीट उसके पास आ गई, दिस इज स्मार्ट वर्क। ओके, हार्ड वर्क से हमारा थोड़ा सा जो ताल्लुक ये है, कोई भी काम अगर हम मेहनत से कर रहे हैं तो ये ऊपर वाले ने भी कहा है कि मेहनत का सिला मिलना है। जो आदमी मेहनत कर रहा है ये आप लिख के ले लो, उसको हमेशा सक्सेस जरूर मिलेगी अगर उसकी मेहनत पॉजिटिव वे में जा रही है। और एक चीज और है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में एक और डिफरेंस है, अगर आप कोई भी काम गलत डायरेक्शन में कर रहे हो तो आपकी जितनी हार्ड वर्क है वो सारी वेस्ट जा सकती है। जैसे चाइना का एक रिफॉर्मर है माउ, उसने कहा है कि आप 1000 किलोमीटर भी चलते रहोगे, 1000 किलोमीटर भी चलते रहोगे अगर आपकी डायरेक्शन गलत है तो आप पहुंचोगे न्यूज। तो आपका जो हार्ड वर्क है अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो आपको अल्टीमेट सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जो है ये आजकल ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, मैं किसी भी काम में करने के लिए ये बहुत जरूरी है। बिना हार्ड वर्क के हमें कोई चीज जिंदगी में मिलेगी नहीं, ये हमने भी देख लिया, आप सब लोग देखा होगा, हम लोग इस मकाम पे पहुंचे हैं बिना हार्ड वर्क के नहीं पहुंचे। लेकिन अब उस हार्ड वर्क को हमें स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है। कोई भी टॉप पोजीशन पे पहुंचा हुआ आदमी, अगर वो आदमी ये कहता है यार मैं अपने काम को संभाल नहीं पा रहा, काम का बहुत लोड है, तो आप समझ लीजिए वो स्मार्ट वर्कर नहीं है। इफेक्ट है, जो आदमी ये कह रहा है कि मैं इस लोड को संभाल नहीं पा रहा, ऑफिस में बहुत काम है तो थका हुआ आया हूँ, दिस इज ही इज नॉट अ स्मार्ट वर्कर, वो स्मार्ट वर्कर नहीं है। स्मार्ट वर्कर वो है जो काम को मैनेज करता है, ये सारी चीजें स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये जितना वर्कलोड का प्रॉब्लम है ना, ये इसीलिए होता है कि लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए बार बार आता है इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करो। इम्प्रूव कैसे करें, इसी तरह करें, सारी चीज़ों को मैनेज करें। और एक थोड़ी छोटी सी एडवाइस ये है मेरी, कम से कम अपना एक दिन एडवांस में प्लान करें, सिर्फ एक दिन, और उस एक दिन का आप फायदा निकाल के देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिएगा, आपका टाइम कितना सेव होता है, आपके काम कितनी अच्छी तरह मैनेज होते हैं, दिस इज द स्मार्ट वर्क। अगर आपने एक दिन मैनेज कर लिया तो वो आपको आदत बनेगी, आपकी हैबिट बन जाएगी और उससे आप अगला वीक मंथ और आगे की सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। आपने जो बोला कि जो